खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। इसके लिए राज्य के संस्कृत महाविद्यालय सोलन में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं ने खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई व खूब मनोरंजन किया। इस प्रतियोगिता में कबड्डी सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया था। बात करते हुए खेल प्रतियोगिता के संयोजक एवं संस्कृति महाविद्यालय के दर्शनाचार्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता को करवाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास करना व बच्चों में खेल भावना को उत्पन्न करना है। वहीं बच्चों ने भी इस प्रतियोगिता को लाभकारी बताते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर उनका मनोरंजन हुआ है व खेल भावना पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि खेलों से वे फिट रहते हैं। हमारी ये वार्षिक 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं, यहाँ पर पिछले कल से शुरू हुई है और इसमें दौड़ भी रही है, ऊंची कूद लंबी कूद भी रही है और वॉलीबॉल क्रिकेट और कबड्डी, इसमें कन्याओं द्वारा भी भाग लिया गया है और लड़कों के द्वारा भी भाग लिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा के साथ क्रीड़ा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इससे शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, साथ साथ इसमें थोड़ी सी खेल की जो भावना होती है, इसके द्वारा सारे के सारे बच्चे अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं और जो कोई पढ़ाई में पीछे भी रहता है वो क्रीड़ा प्रतियोगिता में अग्रणी होकर के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बालक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अग्रणी रहता है। महाविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है, इसमें हमने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया है, कबड्डी वॉलीबॉल क्रिकेट इत्यादि में, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हम शिक्षा के साथ साथ अपने सर्वांगीण विकास के लिए खेल को भी खेला करते हैं। हमारे महाविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताएँ हो रही है जिसमें हम सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इससे जो है हमारा शरीर भी मजबूत होता है और बच्चों का ध्यान पढ़ाई को छोड़कर अन्य चीज़ों में भी, जैसे खेलकूद में भी होता है। और यहाँ पर कबड्डी क्रिकेट वॉलीबॉल एथलीट इत्यादि में जो है सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हर क्लास से अलग अलग टीम बनी थी और सभी बच्चों ने जो है खूब मनोरंजन किया। धन्यवाद। इसमें हम सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैंने भी डिस्कस थ्रो, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान प्राप्त किया, गोला फेंक में तृतीय स्थान प्राप्त किया, कबड्डी प्रतियोगिता में हमारी क्लास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वॉलीबॉल की भी कल यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी हमने सबने भाग लिया और हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इससे हम खेलकूद से हमारी मानसिकता ठीक रहती है और हम नशे से दूर रहते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।